कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं इस कोने में धीरे से कुछ बोलूंगा, तुम्हें इस कोने में आवाज आएगी। ये देखें, ये अभी दोनों बात कर रहे हैं और ऐसे लगेगा जैसे मोबाइल में बात कर रहे हैं। बहुत क्लियर आवाज आ रही है जी सर। ये अजूबा है, एक बहुत ही। इतनी सारी गुजरात की गाड़ियां कहां से आ गई? जो लोग बाइक्स के शौकीन हैं उनको तो ये वाला व्लॉग डेफिनेटली देखना चाहिए। डुकाटी म्यूजियम में हो बॉस। ए, मुझे तो ये शहर बहुत पसंद आ गया है। हम बोलोनिया की यूनिवर्सिटी सेंटर तरफ तो आए थे खाना खाने, पर हम पहुंचे डॉक्टर जिमी नाम के एक समाल की ईटरी पे। वहाँ मिले जिमी साहब। अब तो हमारे गाइड बन चले हैं, हमें अच्छी सी कॉफ़ी पिलाई है और हम यहाँ पे बोलोनिया के भ्रमण कर रहे हैं। We are inside University of Bologna. Our graduation day, and this is actually the oldest university in the world. उधर ऊपर से आवाज आ रही है। चलो भाई ला, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू फॉर एम फॉर द लेक उन दे सी सी इंग्लिश रिच। और जिमी ने सबको बता दिया कि दिव्यांका के कितने मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, तो सब एक्साइटेड हो गए बच्चे। एक्चुअली होता क्या था कि जो पुराना शहर था ना, पुराने कबीले खानदान लोग, जिनके पास जितना ज्यादा पैसा होता था वो उतना लंबा अपना मीनार बनाते थे। तो इस टोटल शहर में तकरीबन 500 से ज़्यादा मीनार थे और ये लास्ट वाले रह गए। अच्छा। हाँ, और लास्ट ईयर ये भी गिरने वाला था, फिर अभी इसकी सारी कंस्ट्रक्शन होने वाली है। बहुत ज़्यादा इसका मतलब लॉस होने लगा था सिटी को। ये टूटा हुआ बोलोनिया, इसकी वजह से तो सारा शहर मशहूर है। ये वो लीनिंग टावर जो थे। हाँ जी। थे, देखा कितनी कल्चर्ड है मेरी बीवी, टावर्स को भी रिस्पेक्ट देती है। थे वो ट्विंस थे इसीलिए। वो एक पीजे वाला वो नहीं, एक और है लेकिन ये वाला ही है। तो ये भी लीन हो रहे थे क्या? हाँ जी हाँ जी, ये वाला है। ये देखे ना अभी इसको, वो भी मैंने लीनिंग ट्विन टावर सुना था। क्या ये जिलाटो? जिलाटो ऐसे खाते? ऐसे ही खाते। अच्छा, मुझे देख के पता लग रहा है कि मैंने जिलाटो खाया। अच्छा, जिमी के साथ ऐसे ही खाते। जिमी के साथ ऐसे ही जिलाटो खाया जाता है। मैं चार कदम पीछे थी ना, इसलिए मैंने वैसे नहीं खाया। अच्छा, ये कुआं है किसी का, आ जाओ देखते हैं। हाँ बहुत सुंदर है। इतने सालों से इधर रह रहे हैं। नहीं तो अच्छा भी नहीं, तो कहता कुआ नहीं है। क्या है ये? छोटा सा तालाब है। दिस इज द कोर्ट ऑफ बोलोनिया। ये देखो यहाँ का ओपन थिएटर देखो आप, और सबसे इंटरेस्टिंग बात है ये फ्री होता है, फ्री मुफ्त सबके लिए। और यहाँ पे है बहुत इंटरेस्टिंग चर्च। अलग उसको पुरता तो इन पैसा मजोर पर मंजारे में जगाती है।
सुनो ये देसी बंदे इटालियन में बात कर रहे होते हैं ना, बोलो बोलो अच्छा लग रहा है। जस्ट FYI, चर्च में शोल्डर्स कवर्ड होनी चाहिए, इसलिए मैंने स्लीव्स को ऊपर कर लिया और मैं अलाउड हो गई चर्च में। Oh my God! Whoa! कोने में धीरे से कुछ बोलूंगा, तुम्हें इस कोने में आवाज आएगी। ओके, लेट्स ट्राई दैट। ये देखें, ये अभी दोनों बात कर रहे हैं और ऐसे लगेगा जैसे मोबाइल में बात कर रहे हैं। सर कैसा लगा, ये क्या है? स्पीकर लगा हुआ है। स्पीकर नहीं है इसमें? बहुत क्लियर आवाज आ रही है जी सर। ये अजूबा है, बहुत ही नहीं, टेलीफोन नहीं है ये, बस एक ऐसा सिस्टम है अजीब सा दुनिया में बना हुआ है। हाँ वो भी करें। मार्कोनी जिसने रेडियो बनाया था वो इसी जगह का ना सर? कैसे हो सकता, इसी शहर का है मार्कोनी? जाओ उधर, जाओ उधर। ये देखो यहाँ पे आवाज सुनेगी। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? दोबारा बोलो, आवाज आ रही है मेरी? आजो आजो यार, ये बहुत अच्छी जगह थी, मजा आ गया। मुझे तो ये शहर बहुत पसंद आ गया है। I really want to join. आगे वर्कआउट हो रहा पीछे आशिकी। Done, love? Yes, almost. All packed and all. Mm-hmm. Oh, we are ready to leave this beautiful Italian property. Set. देखो इतनी जगह यहाँ, लेकिन हमारी गाड़ी पार्क नहीं करने दी इन्होंने हमें यहाँ। इतनी सारी गुजरात की गाड़ियां कहां से आ गई? गुजरात की। और अब हम पहुंच गए हैं दुकाती म्यूजियम, जिसका हम दोनों का इंतजार था। इतना बड़ा म्यूजियम और पार्किंग इतनी दूर, 10 मिनट चल के आना पड़ा। सबसे पहले हाँ ये मर्चेंडाइज का, अरे ये वाला कीरिंग मेरे पास है। हाँ। ये देखो आपके किसी फैन ने भेजा था आपको। हाँ, मर्चेंडाइज का स्टोर है सबसे पहले। ओह हो, दिस इज सो कूल। या ओह दैट्स अ क्लॉक। यस, अ नाइस सिपर्स आल्सो, स्क्रैम्बलर। क्या हो गया? और चेक कर लो कलर्स, नहीं तो फिर ये देख लेना। कलर तो फिर ब्लैक इंडिया के हिसाब से फिर मिंद्रा नाम थोड़ा लूज नहीं है। आते ही तो सबसे पहले वेलकम होता है स्क्रैम्बलर्स।
ये बाइक तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है भाई। तुम्हें ये देखो सूट करेगी ना दिव्यांका को, जाओ थोड़े पीछे। ये 1200 cc की है और पिछले साल इन्होंने इसको V4 बनाया, पहले V2 हुआ करती थी, अब ये V4 आ रही है। ये भी खतरनाक बाइक है। This bike that you see here is a Panigale V4. This is an actual track bike used to win a championship. Very interesting. इसका नंबर जो है ये 19, अगर आप देखोगे यहाँ पे 19, इट्स एक्चुअली 219 बाइक्स मेड, जिसमें से 19वां नंबर का बाइक ये है। ये टोटल, दिस इज लिमिटेड एडिशन। तो इस बाइक की कॉस्ट है करीबन 80,000 यूरोस। यूरोस दैट्स अबाउट 70 लाख रुपीज। अभी अक्षय कुमार की फिल्म में आपने देखी होगी सूर्यवंशी, में उन्होंने ये बाइक यूज़ की थी। इट्स अ मॉन्स्टर। और मेरा जो ब्लॉग था जिसमें मैं बाइक चला रहा था, डुकाटी वाला जो ब्लॉग था, उसमें मैंने मॉन्स्टर का नया करंट वर्जन मैं राइड कर रहा हूँ। वो देखो दो झंडे हैं, ऊपर वाला इटली का है, नीचे वाला किसका है बताओ? पता नहीं। ईयू का। ईयू, यूरोपियन यूनियन। ये आ जाओ। ठीक है, पर एक चीज की कमी रह गई। एंड डुकाटी, इफ यू आर लिसनिंग टू दिस, इफ यू हैपन टू वॉच दिस व्लॉग, प्लीज इंक्लूड अ कैफेटेरिया और अ रेस्टोरेंट इन द म्यूजियम। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग जैसे दूर से आते हैं और यहाँ पे चाय कॉफी पीने तक की जगह नहीं है। सो या something that you can improve on. अच्छा, यहाँ पे ना सारे स्टाफ की बाइक्स खड़ी हैं, बहुत इंटरेस्टिंग विजुअल है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मोस्टली जो स्टाफ है उनकी बाइक्स हैं। ये कौन सी है यार? ओह, स्ट्रीट फाइटर, स्क्रैम्बलर, पानीगाले, मल्टी स्ट्राडा, सुपर स्पोर्ट। ग्रैंड बाइक अच्छी लगती है। प्रेजेंस फील होनी चाहिए। नेक्स्ट डेस्टिनेशन, वेयर शुड वी गो? मॉडेना फरारी म्यूजियम। अनलोडिंग द न्यू, गेट स्टार्टेड। व्हेयर डू वी गो? ओके, लेफ्ट राइट। द एक्सपेक्टेड ड्राइव टाइम इज 37 मिनट्स।